सुल्तानपुर के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आज एक बालिका के इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद तीमारदारों ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते बालिका की मृत्यु हुई है। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही प्रभारी सीएमएस मौके पर पहुंचे और बालिका की मौत के मामले पर डॉक्टर और स्टाफ नर्स को दोषी मानते हुए आला अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए सूचित कर दिया। बताते चले कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जिले के प्रभारी मंत्री हैं। ऐसे में जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं का ऐसा हाल है। लापरवाही खबरें आ रही है, एक मौत हुई है, क्या कहना है आपका? हमारे संज्ञान में आया है कि गंभीर 15 साल की यहाँ भर्ती हुई थी सुबह 6 बजे, इसकी मौत अभी हुई है 1:15 के आसपास। और इसमें प्रथम दृष्टया हमारे फिजिशियन वहाँ के स्टाफ नर्स से दोषी पाई जा रही है। स्टेशन की बात करें तो यहाँ स्ट्रेचर एक भी नहीं था। हाँ, यहाँ पर स्ट्रेचर टूटी हुई थी, बनाने गई नहीं थी और आज आ गई है। अधिकारियों को अवगत करने के लिए कड़े से कड़े कार्रवाई करने के लिए। सर, आपके स्टाफ नर्स चंद्रिका इमरजेंसी की चाबी लेकर फरार रहते हैं, मीडिया में अक्सर खबरें आती हैं, प्रशासन उनको बचाता है, हॉस्पिटल प्रशासन क्या करेंगे ऐसे चंद्रिका पे? क्या चंद्रिका को उस समय भी 100 नोटिस दिया गया था या चाबी लेकर के गायब है और डुप्लीकेट चाबी रखवा दी गई। सर, जाँच में कौन कौन से डॉक्टर और नर्सेस दोषी पाए गए हैं? प्रथम दृष्टया जो भी यहाँ पर स्टाफ नर्सेज काम कर रही हैं और डॉक्टर राम धीरेन्द्र फिजिशियन जो इसके इंचार्ज हैं, प्रथम दृष्टया हमको ये लोग दोषी पाए। सर, जो दोषी डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्या की गई प्राइमा फेसी पे? तुरंत कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारियों को लिखा जा रहा है। लगातार यहाँ दबाव बनाया जाता है, पेशेंट को यहाँ से हटा दिया, लगातार मेरा पेशेंट खुद है। हाँ, लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मतलब हटाने का मतलब इमरजेंसी वार्ड से हटाना है यहाँ से ले जाइए नहीं, दो स्थिति होती है। इमरजेंसी वार्ड में हम लोग 24 घंटा से ज्यादा मरीज को नहीं रखते, उसको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में हमेशा मरीजों का वो रोटेशन होते रहता है। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो गंभीर होते हैं जिनका इलाज यहाँ नहीं संभव है, उसको हम लोग बाहर। सर, यहाँ डॉक्टरों के जो दलाल होते हैं वो भी सक्रिय रहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में? संज्ञान में आएगा तो उसके ऊपर फुटेज। सर, उसके फुटेज आपके हॉस्पिटल में ही है? मेरे वीडियो वीडियो है सर मेरे पास। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कन्वे करते हैं पेशेंट्स को, आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? मैं उचित जो कार्रवाई होती है। सस्पेंशन सर क्या किसी का किया गया अभी? नहीं, सस्पेंशन हमारे करने का अधिकार नहीं मेरे पास है। मैं उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराऊंगा, सीएमओ साहब को अवगत कराऊंगा और अपने प्रमुख सचिव को। लापरवाही किया है ये लोग। मैं 6 बजे से इन लोगों को चिल्ला रहा था, जितने डॉक्टर थे यहाँ नर्स थे मेरा एक बात नहीं सुना। बच्चे के रो रहे थे, हम रो रो के कहा इसका इलाज करिए, लेकिन कोई भी ऐसे पकड़ के छोड़ दिया नारी। ये अपने सिस्टर को भी नहीं कहा कि मैंने इसको आकर एक इंजेक्शन या सुई लगा दो, कुछ भी नहीं कहा सर इन लोगों ने। इतनी इस जिला अस्पताल में इतनी व्यवस्था होते ही समय ये लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं। इस अस्पताल की ये इमरजेंसी की व्यवस्था है, इमरजेंसी क्या मतलब है इन लोग को ये मतलब नहीं मालूम है डॉक्टरों का कि इमरजेंसी में कोई मरीज आए उनको जो है कैसे तरीका किनका इलाज किया जाए। क्या हुआ था आपकी भांजी को? भांजी को सर उसके सांस की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, ये लोग 6 बजे से भर्ती किया, ये लोग एक इंजेक्शन बाहर से मंगवा कर लगा दिया, 2 इंजेक्शन, उसके बाद ये लोग देखने तक नहीं आए सर। हम रोते रखते रह गए लेकिन ये लोग मेरे पास आए नहीं कि हाँ मेरे मरीज के पास मैं इनको सुई इंजेक्शन या ऑक्सीजन लगा कर कम से कम आला इनको चेक कर लूँ क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई जवाब नहीं दिया है लोग सर। डॉक्टरों की लापरवाही, डॉक्टर की एकदम पूरी लापरवाही सर, यहाँ जिले की पूरी मेरे जिले अस्पताल की लापरवाही है। किसी मरीज मान लो सर किसी गरीब के साथ खिलवाड़ करना ये गुनाह है, बेगुनाह है सर। सुल्तानपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की मशहूर दरगाह हजरत शाह विलायत साहब की दरगाह पर बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद ने चादर पोशी करके कोरोना वायरस जैसी महामारी को इस देश से ही नहीं बल्कि दुनिया से खत्म करने की दुआ मांगी। आपको बता दें कि जनपद की नौगावा विधानसभा से उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद ने नामांकन कराने से पहले अमरोहा जनपद की मशहूर दरगाह हजरत साहब राय साहब की दरगाह पर चादर पोशी की और कामयाबी की दुआ मांगी। बताया जाता है कि हजरत साहब बताया
छतर की हजरत साहब लाट साहब की दरगाह अमरोहा की चर्चित दरगाह जहां पर दूर दूर से लोग माथा टेकने के लिए आते। इतना ही नहीं विदेशों तक के लोग यहां पर माथा टेकते और बाबा की मजार पर दुआएं करते हैं। बताया जाता है कि अमरोहा जनपद में जो भी अधिकारी चार्ज संभालता है सबसे पहले वह हजरत शाह विलायत साहब की दरगाह पर इजाजत लेकर माथा टेकते उसके बाद अपने कार्य को अंजाम देते। उसी तरह से बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद ने भी चादर पोशी कर इस देश में अमन कायम करने और इस महामारी को खत्म होने की दुआ मांगी। आज जो चादर पोशी हुई है क्या पूरा मामला भाई? जैसा कि आप जानते हैं पूरा भारत जानता है कि जो हमारे अमरोहा शहर में हजरत शाह विलायत साहब हमारे यहाँ पर हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं और यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं अल्लाह की यहाँ दुआ मांगने के लिए। सर समाज के लोग आते हैं, हमारे हिंदू भाई भी आते हैं। तो भाई हम तो जो भी काम करते हैं अल्लाह को कम से यहाँ से ही अल्लाह के प्यारे बंदे हैं यहीं से शुरुआत करते हैं, इनकी दुआएं पूरी होती हैं और इनकी अल्लाह की बारगाह में ये हमारी दुआओं को लेके जाते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को पूरा करता है। हजरत शाह विलायत साहब क्या विशेष दुआ की गई आज मतलब उसको लेकर? भाई हमने तो एक तो अमन सुकून के लिए अपने देश और प्रदेश के लिए और जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस, अल्लाह ताला इससे हमारे देश को और पूरी दुनिया को इससे निजात दिलाते हैं। अमरोहा से केके न्यूज संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट।